साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल हट कालिका प्रॉपर्टीज़ में। और आज मैं हूं आपका बरेली रोड में। बरेली रोड में मेरी लोकेशन है आपका टोयोटा शोरूम के पास, या यूं कहूं तो नंदी टाइल शोरूम के अपोजिट। यहां लाया हूं मैं आपके लिए बहुत ही शानदार मकान, जो कि रहा कुछ इस प्रकार से। आप सामने देख पाएंगे इधर पे जो इसका फ्रंट है, आपका जो ये मकान है, मकान का जो फ्रंट है, ये कहीं ना कहीं आपका साउथ यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ को रहेगा। बाकी मकान आपका डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है। इस प्रॉपर्टी में आपके बने हैं 2 फ्लोर। और अगर हम बात करते हैं इसके डिस्टेंस फ्रॉम हाईवे की, तो आप देख पाएंगे इधर पे तो जो डिस्टेंस है इसका हाईवे से कुछ ना के बराबर ही है। आप देखिए इधर पे तो ये चलता हुआ ट्रैफिक है आपका बरेली रोड का, जहाँ पर आपका टोयोटा शोरूम है, टोयोटा शोरूम के पास, या यूँ कहूँ तो नंदी टाइल्स के पास में। तो फिलहाल तो अभी काम करते हैं, अभी चलते हैं अंदर प्रॉपर्टी के और देखते हैं प्रॉपर्टी के अंदर क्या कुछ खास है, क्योंकि मेन तो प्रॉपर्टी है ना यार। बाकी अगर हम बात करते हैं रोड की, तो रोड का जो साइज़ रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 फीट का रहने वाला है। डामर की ये रोड है और ये है मकान की फ्रंट एंट्री। यहाँ पर आप देखोगे इधर पे तो आपकी एक तरफ कार पार्किंग है और इधर पे है आपका छोटा गेट, जहाँ से आपकी डे टू डे वाली एंट्री होती है। तो एक बार आपको मकान दिखाता हूँ बाहर की तरफ से, कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको। टाइलिंग वर्क करा गया है यहाँ पर, बाकी रेलिंग्स हैं, लोहे की रेलिंग लगी हुई है। गेट पूरा MS का है, काफ़ी पुराना डिज़ाइन है जो कि कोयले में चलता है। ये डिज़ाइन बहुत पहले चला करता था एक टाइम पे। चलो चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर जैसे हम अंदर एंटर करते हैं, तो अंदर एंटर करते आप देखोगे तो नीचे यहाँ पर टाइलिंग वर्क करा गया है। टाइलिंग वर्क भी काफ़ी अच्छा है, गोल सर्कल में यहाँ पर टाइल्स लगे हुए हैं फ्लोर में। और यहाँ आप देखोगे इधर पे तो कुछ ग्रीनरी रखी हुई है, जैसे आपके गमले के लगा रखे हैं। और ये देखेंगे इधर पे आप, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिलेगा बालकनी वाला स्पेस, इसमें थोड़ा बालकनी का है। और पीछे आप देखेंगे यहाँ पर रखा हुआ है एसी का आउटर, ये आपके डाउन पाइप से। और यहीं पे आपको लगी है पानी की टोटी। और इसके साथ में हम चलते हैं जरा बाहर की तरफ को। देखिए मैं पहले आपको क्या करता हूँ कि जो आउटसाइड का जो एरिया है, मतलब इस प्रॉपर्टी का जो बाहरी पोर्शन है, पहले आपको मैं वो दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे इधर पे तो ये है आपका टुल्लू वाला पोर्शन, ये आपका मोटर रखा हुआ है, बड़ा मोटर यहाँ पर रखा हुआ है। और इसके साथ में ये है आपका पानी का टैंक कुछ इस प्रकार से। छोटा टैंक है इसमें, अप्रॉक्सीमेटली आपका 7.5 से 8 हज़ार लीटर का टैंक होगा। और टैंक के साथ में दिखा दूँ तो इधर पे ये है आपकी मेन एंट्री, यहाँ पर लगा हुआ है आपका शटर के साथ में देखो इधर पे तो एक और एंट्री है यहाँ पर, ये है आपकी फर्स्ट फ्लोर की और ये है आपके यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर की। मैं आपको बता दूँ कि जो भी हमारे व्यूवर सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए खास इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि बरेली रोड में जो मकान है आपका मेन, आपका बरेली रोड से अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर के डिस्टेंस में होगा। तो ऐसे में अगर आपका विचार बनना है कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने का, लाइक कोई गोदाम पर्पस में कुछ भी, तो यहाँ से आप कर सकते हो। क्योंकि नीचे जो ये प्रॉपर्टी जो नीचे की है, ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी 3 BHK है। और ऊपर जो पोर्शन है, ये एज पर भी रेंट के तौर पर यहाँ पर काम कर जाएगा। तो आइए चलते हैं पहले ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ को, क्योंकि अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, पहले आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर को। आइए चलते हैं। तो एंटर होते ही यहाँ पर आप देखोगे इधर पे तो ये है आपकी यहाँ पर मेन एंट्रेंस, ये स्टेशन है एक्चुअली। यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ से भी एंटर कर सकते हो और यहाँ से ऊपर आप जा सकते हो। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं काफ़ी अच्छी खासी, यहाँ पर आपका करा हुआ है यहाँ पर मार्बल, ये आपका लोहे की रेलिंग यहाँ पर मिलने वाली है। और ऊपर आप देखोगे तो ऊपर काफ़ी अच्छी खासी लाइट यहाँ पर आ रही है, बिकॉज सामने आप देखोगे इधर पे तो यहाँ पर खुला हुआ है आपका जंगला खुला हुआ है। साथ में आप देखोगे इधर पे तो ये बाहर का पोर्शन है, इधर पे ये आउटसाइड का व्यू है इधर पे, ठीक। और इधर इस प्रॉपर्टी में आप देखोगे तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है। पुरानी प्रॉपर्टी है लेकिन काफ़ी प्राइम लोकेशन में है। टोयोटा कार का यहाँ पर शोरूम है। और आपका जो नंदी टाइल्स है इसके पास पे, इसके नियर बाय लोकेशन में है। और आप देखेंगे इधर पे तो ये देखिए, मैं आपका यहाँ पर आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर में। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर दिखाई देगा, बड़ा बरामदा है यहाँ पर। आप चाहो तो इधर पे इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो इधर पे, और ज़्यादा मतलब कमरे बनाकर और इसमें कमरे लगा भी सकते हो किराए पे। यहाँ आप देखोगे तो इधर पे 2 वॉशरूम्स हैं, साथ में इसमें एक और एक ही दो रूम ऊपर वाले फ्लोर में है। अगर हम बात करते हैं इस पहले वाले रूम की, तो यहाँ देखेंगे आप जाली वाला दरवाज़ा है, जिसमें आपको मुर्गा जाल नहीं मिलेगा। और सिंपल ये एक दरवाज़ा है, इसमें आपका वुडन और आपका प्लाईवुड दोनों का कॉम्बिनेशन है। फ्लोर में आप देखोगे तो फ्लोर में करी गई है टाइल्स, ये कुछ पावर पॉइंट यहाँ पर लगे हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं इस रूम की, तो देखिए रूम काफ़ी लंबे टाइम से बंद पड़ा हुआ है। काफ़ी लंबे टाइम से बंद होने की वजह से क्या है कि
तो ऊपर देखेंगे आप, यहाँ तो यहाँ करा गया है फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग के साथ में आप देख पाओगे इधर पे तो दो ऑप्शन दिए हैं वहाँ पर पंखों के, एक ऑप्शन यहाँ पर है और एक ऑप्शन आपका यहाँ पर है। तो दो पंखों के ऑप्शन है और दो खिड़कियाँ हैं यहाँ पर। आप अगर फ्रंट में देखते हो तो फ्रंट में आपका यहाँ पर दरवाज़ा है, साथ में यहाँ पर लगी हुई है आपकी एक बड़ी खिड़की। इसमें आपके मिलेंगे आपको चार पल्ले। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ पर एक, दो, तीन और एक चार, चार खिड़कियाँ हैं। साथ में ऊपर आपको मिलेंगे दो दो रोशनदान। इसके साथ में आपको मिलेगी एक और खिड़की यहाँ पर, ये देखिए आप इधर पे, ये आपकी खिड़की कहीं ना कहीं आपकी 3x6 की रहने वाली है। तो बड़ी खिड़की है, वाइड खिड़की है, प्लस सबसे अच्छी बात तो ये है कि बाहर का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है, नज़ारा काफ़ी अच्छा है, व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। और आइए आप चलते हैं बाहर की तरफ को, क्योंकि हमने इस रूम की बात तो कर ली है। अगर हम बात करते हैं इस रूम के साइज़ की, तो देखिए इसका जो साइज़ रहने वाला है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपका 13 फीट का। 13 फीट का तो इसकी कहीं ना कहीं आपकी चौड़ाई मान लीजिए, बाकी हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 × 16 और ये कहीं ना कहीं आपका 17, तो 17 फीट का इसका लंबाई हो जाती है। ठीक है, बाकी नीचे फ्लोर में आपको मिलेंगी टाइल्स। रूम काफ़ी बड़ा है, वाइड है, अच्छा है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके जो ऊपर फॉल्स सीलिंग करी गई है ये भी काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि ऐसा जो टेक्चर है ना, मतलब ऐसा कुछ ऐसे डिज़ाइंस ही है ये अब नहीं मिलते हैं, ये तब हुआ करते थे और तब की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, बड़ा रूम है एज पर भी है, मतलब आप चाहो तो इसको रेंट पर चला सकते हो, रेंट पर लगा सकते हो। प्रॉपर्टी मेन हाईवे से काफ़ी क्लोज है और क्लोज होने की वजह से क्या है कि आप चाहो तो इधर भी अपना गोदाम नीचे बना सकते हो और ऊपर अपने लड़कों को यहाँ पर रख सकते हो। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, लगे से जिनका खुद का टाइल शोरूम है, जिनका खुद का मतलब बाकी और भी बहुत सारे काम होते हैं, गुड्स का होता है, सप्लाई का होता है या गोदाम प्रबंधन, कुछ भी आपको चाहिए तो वो कहीं ना कहीं ये मकान आपकी नीड पूरी कर सकता है। आइए चलते हैं बाहर की तरफ को और देखते हैं दूसरे वाले रूम में क्या कुछ आपको मिलेगा। देखें यहाँ पर क्या है, सेम यहाँ पर भी देखेंगे इधर पे तो ये भी वही खिड़की है जैसे यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर भी आपके चार पल्ले थे, ऊपर आपके रोशनदान है और सेम यहाँ पर भी आपके चार पल्ले हैं, ऊपर दो रोशनदान हैं। सामने यहाँ पर जो आपका दरवाज़ा है आप देखो इधर पे, तो ये आपका जाली वाला यानी कि नेट वाला है, और नेट वाला दरवाज़ा होने के साथ में देखोगे इधर पे तो ये है आपका बड़ा रूम, यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक अटैच किचन। तो देखिए बड़ा वाइट किचन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वेल, अगर हम बात करते हैं इस पोर्शन की, देखिए जहाँ हम पहले गए थे उस पोर्शन में वहाँ पर क्या था कि सिर्फ एक रूम था, यहाँ पर आपको मिलेगा अटैच किचन, एक बड़ा हॉल और साथ ही में इसमें एक और मिलेगा आपको छोटा रूम। तो ये कहीं ना कहीं आपका 2 BHK टाइप में हो सकता है, इसमें आपको एक छोटा रूम मिलेगा। छोटे रूम की अगर हम बात करते हैं तो इस छोटा रूम में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी चार पल्ले वाली खिड़की, दो रोशनदान, ऊपर आप देखोगे तो ऊपर आपको मिलेगा फॉल्स सीलिंग। सिंपल फॉल्स सीलिंग है, कोई डिज़ाइन नहीं है, सिंपल से इसमें आर्किटेक्चर ही करी गई है। साथ ही में आपको मिलने वाली है रॉड, और हम बात करते हैं नीचे फ्लोर की तो 2, 4, 6, 8 और एक 10, 10 फीट का इसमें चौड़ाई हो जाती है। अगर हम बात करते हैं लंबाई की तो 2, 4, 6, 8, 10, 10x10 का ये रूम है, जिसमें आपको मिलने वाले हैं चार खिड़की के पल्ले यानी कि बड़ी खिड़की, साथ में दो रोशनदान, और हाइट काफ़ी ठीक ठाक है इसकी, कंपेटेबल एज पर भी, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं और जो भी मतलब अपने वर्किंग पर्सन हैं वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। खुला हुआ पूरा का पूरा रूम खुला हुआ है, साफ़ हवा आ रही है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी मैं इस रूम के अंदर हूँ और मैंने एक भी बल्ब नहीं जला रखा है, और जो उसकी लाइट है मतलब उभर के आई हुई है वो काफ़ी अच्छी है। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर आपका मिलेगा आपको उसमें बड़ा रूम और इसमें मिलेगा आपको किचन। तो हम अगर बात करते हैं इस रूम के सीलिंग वाले एरिया की, तो देखिए ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर फॉल्स सीलिंग जो कि सिंपल पीओपी वाली है। पीओपी वाली फॉल्स सीलिंग के साथ में देखोगे इधर पे तो यहाँ मिलने वाला आपको बड़ा किचन। इस किचन में आप कहीं ना कहीं आप देखोगे इधर पे ये है आपको प्रोडली सेमी मॉड्यूलर। ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा सिंक एरिया, वॉशिंग एरिया के साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर आपका बर्तन का स्टैंड, साथ में आपको मिलने वाला इधर पे आपको एक दो पॉइंट आपको यहाँ पर गीज़र के और गीज़र के रख लीजिए, प्लस यहाँ पर आपको मिलेंगे दो टोटियाँ पानी के लिए। बाकी बड़ी खिड़की है, देखिए बड़ी खिड़की है, बड़ी खिड़की के साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर एग्जॉस्ट, और यहाँ पर भी पूरा आपको मिलने वाला है यहाँ पर स्पेस। तो जो कोई भी एक्टिविटीज़ आप चाहें करना, आप यहाँ पर करना चाहते हो यहाँ पर आप कर सकते हो। लाइक जैसे आप देखोगे इधर पे तो मैंने पूरा खोला हुआ है इसको, बड़ा स्पेस है। इसी तरह से बाकी एरियाज भी हैं आप देख पाएंगे इधर पे, तो ये भी कुछ एरियाज ऐसे यहाँ पर देखने वाले हैं आपको। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, प्लस ऊपर आपको मिलने वाला है यहाँ पर ग्रेनाइट का पत्थर। और ये जो आप देख पा रहे हैं इधर पे, ये टोटली हाइड्रोलिक है। हाँ ये देखिए,
ये टोटली हाइड्रोलिक है, ऐसा नहीं कि मतलब बंद कर दिया एकदम झटका मारता है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलने वाला है आपको। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ एक बार ही, ये देखिए मैंने इसको खोला है और खोलने के बाद सडनली मैंने इसको छोड़ा तो ये धीरे से बंद हो रहा है। तो ये इसकी एक अच्छी बात है, क्योंकि सडनली ये बंद नहीं हो रहा है, और सडनली बंद नहीं होने का मतलब होता है कि जो मटेरियल इसमें लगा गया है या जो आइटम्स में यूज़ करे गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके फ्लोर की, देखिए इस फ्लोर का जो साइज़ है या इस रूम का जो साइज़ है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 फीट तो इसकी कुछ 12 फीट तो कहीं ना कहीं इसकी चौड़ाई आने वाली है। और हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो देखिए लंबाई कहीं ना कहीं आपकी रहेगी इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 और ये कहीं ना कहीं आपका रहेगा 17 या 17.5 या 18। तो 18x12 का ये रूम साइज़ है जिसमें आपको मिलने वाला है एक बड़ा किचन, और किचन के साथ में देख पाओगे इधर पे तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखिए ये कुछ ऐसा मोमेंटम का टेक्सचर आपको मिलने वाला है। तो रूम बड़ा है, रूम बड़ा होने के साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर एक्स्ट्रा रूम, किचन, और ये आपका एक्सपर भी है हॉल मान सकते हैं इस पर, ठीक है। बाकी आपको मिलेंगे यहाँ पर पावर पॉइंट जिसमें आपको मिलेगा इसमें रेगुलेटर, लाइट का ऑप्शंस, पावर पॉइंट, और ये देखिए यहाँ पर एक और 16 एम्पीयर का पॉइंट। वेल अगर हम अभी आ चुके हैं बाहर की तरफ, बाहर आप देखोगे तो बाहर भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा काम करा गया है। आप देखेंगे इधर तो बिल्डिंग पूरी की पूरी कॉलम्स में खड़ी हो रखी है, और यहाँ पर भी आपका POP का काम हुआ है। जी हाँ, आप देख पाएंगे इधर पे तो यहाँ पर भी पूरा का पूरा आपका POP का काम हुआ है, और यहाँ से लाइटिंग वाइटिंग का सारा सिस्टम करा गया है। अगर हम बात करते हैं वॉशरूम्स की, तो देखिए ये कहीं ना कहीं आपके सेपरेट हैं, वहाँ पर आपके अटैच कोई वॉशरूम नहीं मिलने वाला है आपको। बड़ा वॉशरूम वाला एरिया है, प्लस आप देखोगे इधर पे ये काफ़ी हाइट में है, ये आपका यहाँ पर मिलेगा आपको सिंगल लेवल का वॉश बेसिन, और इसी के साथ में यहाँ मिलने वाली है आपको 1-पीस शीट जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगी। सामने आपको देखिए इधर पे रोशनदान वगैरह है, और ये आपका ओवरहेड शावर, और ऊपर आप देखोगे तो यहीं पर आपको मिलेगी लाइट जो कि कुछ फॉल सीलिंग टाइप में ही है, और फॉल सीलिंग के अंदर भी लाइट है। प्लस एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, ये बल्ब का ऑप्शन आपको मिला हुआ है, यहीं पर आपको मिलेगा पावर पॉइंट, और ये है आपका यहाँ गीजर के पॉइंट्स। और आप चलते हैं दूसरी तरफ को, आइए ये इसका पहला वॉशरूम है, और पहला वॉशरूम के बाद हम देखते हैं इधर पे दूसरे वॉशरूम में। देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है, बस अंतर क्या है मैं आपको बता दूँ। अंतर रहेगा सिर्फ इसके डिज़ाइन पैटर्न में, लाइक जो आपका यहाँ पर जो टाइलिंग वर्क हुआ है इसमें आप देखेंगे इधर पे तो कुछ ब्लू वेल्स या डॉल्फिन्स वगैरह चल रही हैं, और हम नीचे देखेंगे तो नीचे भी इसका पैटर्न वगैरह बना हुआ है। बट हम बात करते हैं अगर इस बाथरूम की, तो इस बाथरूम में आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ आपका डिज़ाइन बना हुआ है कुछ फूलों का, तो फूलों के कुछ पैटर्न पर बने हुए हैं। फूल पैटर्न के साथ में देखोगे इधर पे तो ये आपका ओवरहेड शावर है, बाकी यहाँ पर भी फॉल सीलिंग करी गई है और इसमें लाइट भी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका टावर होल्डर, टावर होल्डर के साथ में देखा होगा इधर पे तो ये है आपका यहाँ पर मिरर, इधर पे आपका मिलेगा आपको यहाँ पर वॉश बेसिन जो कि रहेगा आपका हाफ पेडेस्टल, और ये है आपके यहाँ पर 1-पीस शीट जो कि है आपकी 300 mm की, ठीक है। आइए चलते हैं बाहर की तरफ को, यहाँ पर हमने सारी की सारी बात कर ली यहाँ पर आपके वॉशरूम्स वगैरह की। आइए अब चलते हैं बाहर की तरफ को, देखते हैं इधर पे और क्या कुछ आपको मिलेगा। आइए चलते हैं ऊपर छत की तरफ को, छत में देखते हैं क्या कुछ खास आपको मिलने वाला है, क्योंकि इस पूरी प्रॉपर्टी में देखिए इधर पे आप यहाँ पर कुछ कैमराज वगैरह यूज करे गए इंस्टॉल्ड, तो प्रॉपर्टी पूरी सिक्योर है। बाकी हम चलते हैं अभी ऊपर छत की तरफ को, छत में आपको मिलने वाली है MS की रेलिंग्स, रेलिंग के साथ में देख पाओगे इधर पे तो यहाँ पर आपको करा हुआ है पूरा का पूरा वाटर प्रूफिंग। आप सामने देखिए इधर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार ही, तो ये है आपका यहाँ पर बरेली रोड का हाईवे देख रहे हैं इधर पे, ये देखिए आपका यहाँ पर रोड की बस चल रही है इधर पे, और ये इसकी एंट्री है। मात्र 50 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस रहेगा आपका मेन हाईवे से, ज़्यादा दूरी भी नहीं है इसकी मेन हाईवे से यहाँ पर, ठीक है। आपको दिखा दूँ ऊपर छत में, आइए चलते हैं छत की तरफ को, छत में आप देखोगे तो छत में भी कहीं ना कहीं आपका टाइलिंग वर्क करा गया है, इधर पर पूरे टाइल का पूरा टाइलिंग वर्क करा गया है। प्लस आपका जो पानी के टैंक्स हैं, पानी के टैंक आपको मिलने वाले हैं इधर पर 2000 लीटर के, 1000 लीटर का एक है, ये देखिए छत में करा गया है पूरा टाइलिंग वर्क, ताकि जो भी एक छत होती है इसको थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा यूनिक बनाया गया है, थोड़ा सा और ज़्यादा ब्यूटीफुल करा गया है, सिंपली बताऊँ तो थोड़ा निखार दिया गया। बाकी ये रहा आपका वोल्टेज का ऑप्शन, ताकि आपका जो एयर वेंटिलेशन है प्रॉपर होता रहे। प्लस आपका सामने आपका मेन हाईवे, ये पीछे का यार्ड, पीछे आप देखेंगे इधर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी काफ़ी साफ़ सुथरी है। आइए चलते हैं अंदर, वहाँ से देखते हैं कि प्रॉपर्टी में क्या कुछ खास है अंदर की तरफ से। बाहर से हमने पूरी बात कर ली है, बाहर से प्रॉपर्टी साफ़ सुथरी है, प्रॉपर्टी में कहीं कोई नो डाउट है। आइए चलते हैं नीचे की तरफ को,
नीचे देखते हैं अंदर क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है। आइए चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं नीचे क्या कुछ खास इस प्रॉपर्टी के अंदर है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी असल में क्या है कि मैं सिंपली बताऊं तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी बेस्ट है। गोदाम पर्पज़ में आप कह सकते हो उसको, आपका जो भी पीजी है चाहे आपका इसमें रेंट हो या किसी भी कंडीशन में लगे, जैसे आपका जो इंस्टीट्यूट्स हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो आप यहाँ पर चला सकते हो। क्योंकि बाहर आपके पार्किंग वाला स्पेस भी है और अंदर आपका काफ़ी अच्छा ज़्यादा स्पेस है। तो हमने बात कर ली ऊपर वाले फ्लोर की, हम चलते हैं नीचे वाले फ्लोर में। आइए चलते हैं अंदर की तरफ को, देखते हैं अंदर क्या कुछ आपको मिलने वाला है। यहाँ से हम बात करते हैं इसके अंदर की। चलिए अगर हम बात करते हैं अंदर की, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इधर पे, तो यहाँ पर बड़ी खिड़की, एक बड़ा लकड़ी का जो मतलब एक कहते हैं पूरे आर्किटेक्चर यूज़ करी गई है, तो काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पर है। और यहीं पर सेम ऐसे ही यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगा, ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपको मिलेगी ट्यूब लाइट्स, यहाँ आपको मिलेगा सीलिंग फैन, और सीलिंग फैन के साथ में एक और मिलेगी ट्यूब लाइट। यहाँ पर है आपका इलेक्ट्रिकल पॉइंट का एरिया, और प्लस यहाँ पर है आपके इधर पे इन्वर्टर। आइए चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं क्या कुछ आपको मिलेगा। देखिए एंटर करते ही क्या है ना कि इधर पे जो दरवाज़ा है आपका, ये मिलेगा आपको डबल जाल में, मुर्गा जाल और मच्छर जाने वाला जाल, प्लस आपको मिलेगा डोर। देखिए डोर में आपको कहीं ना कहीं आपका देखिए दिल्ली का दरवाज़ा यहाँ पर लगाया गया है, काफ़ी अच्छा दरवाज़ा है। 7x3 की इसकी हाइट रहने वाली है दरवाजे की। साथ में आप अंदर देखोगे तो अंदर बने यहाँ पर स्टेशन, सामने भी स्टेशन है, प्लस यहाँ पर रूम है, और ये है आपका यहाँ पर बड़ा सिटिंग एरिया। अब देखिए इधर पे तो ये सिटिंग एरिया है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो एरिया है आपका, देखिए ऊपर आप देख पाएंगे इधर पे तो काफ़ी अच्छा खासा झूमर यहाँ पर यूज़ करा गया है। पीओपी की अगर हम बात करते हैं, पीओपी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर यूज़ करी गई है, बड़ा अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर निकाला गया है। निकालने के साथ में देख पाओगे इधर पे तो एक पंखा और दो यानी कि दो सीलिंग फैंस हैं, प्लस ये आपका सेटिंग एरिया हो जाता है। सेटिंग एरिया के साथ में देखोगे इधर पे तो ये है आपका इधर पे अदर एरियाज, देखेंगे इधर पे। असल में क्या है कि प्रॉपर्टी हमारे पास डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर आई हुई है, तो जो कोई भी व्यूअर सब्सक्राइबर चाहते हैं इसको लेना हो, स्क्रीन पर आ रहा है हमारा नंबर, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके रेट्स मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन कर दिए हैं, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी आप यहाँ देखोगे तो ये है आपका यहाँ पर एसी का ऑप्शन, प्लस इसका यहीं पर आपको दिन लगा यहाँ पर स्टेबलाइजर, इसकी यहाँ पर MCBs और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। अगर आप चाहो तो एज इट इज़ ये पूरा का पूरा फर्नीचर के साथ में आप इसको ले सकते हो, और इसी के साथ में आप चाहो तो विदाउट फर्नीचर विदाउट एमिनिटीज़ तो उसका रेट अलग हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ को। देखिए हमने बात कर ली इसके सेटिंग एरिया की, हम आ चुके हैं यहाँ पर अंदर। ये है आपका लॉबी वाला स्पेस। इस लॉबी वाला स्पेस में आप देख पाओगे तो यहाँ पर एक वॉशरूम है, साथ में आपका यहाँ पर रूम है, इसके साथ में आपका एक और वॉशरूम है, और इसके साथ में फिर आपको यहाँ पर एक और रूम है, और ये है आपका किचन वाला पोर्शन। किचन वाले पोर्शन में आप देख पाओगे इधर पे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। तो ये है आपका लॉबी स्पेस, प्लस आपका रूम, एक यहाँ पर आपका बैठक, यहाँ पर आपका एक और रूम, और फिर आपका यहाँ पर एक और रूम। तो इस फ्लोर में टोटली है आपके यहाँ पर 4 कमरे। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया 3 BHK, एक्चुअली ये है आपका 4 BHK। तो 4 BHK के लिए प्रॉपर्टी है जिसमें आपका एक रूम, 2 रूम, 3 रूम, और फिर आपके यहाँ पर 4 रूम है। तो 4 रूम की प्रॉपर्टी है। सामने आपके यहाँ पर लॉबी वाला स्पेस है ताकि यहाँ से आप अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जा सको। तो चलिए हम बात करते हैं इस लॉबी वाले स्पेस से। ऊपर देखेंगे तो ऊपर आप देख पाओगे इधर पे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे पंखे चल रहे हैं, यानी कि इधर पे 2 पंखे प्लस यहाँ पर फॉल सीलिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। प्लस अगर हम बात करते हैं किचन की, तो देखिए ये है आपका किचन वाला ऑप्शन, और यहाँ कहीं ना कहीं आपकी जो किचन है वो भी काफ़ी अच्छी है, बड़ी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस किचन में आपकी डबल एंट्री है। यही एरिया है आपका यहाँ पर पेंट्री का, छोटा सा स्पेस है आपका पेंट्री वाला स्पेस है यहाँ पर, प्लस ये एरिया आपका यहाँ पर एरिया रहेगा आपका कहीं ना कहीं बेडरूम्स का। और ये देखिए आप यहाँ से आप देखेंगे इधर पे तो एक एंट्री यहाँ से है, जिसमें आपकी सामने वाली मेन एंट्री है, और इसकी जस्ट बिसाइड से यहाँ पर एक और एंट्री है जो कि यहाँ कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहेगी। ये छोटी एंट्री है, मतलब ये एज पर भी लाइक जैसे कोई भी मतलब आपके फ्रेंड या कोई भी मतलब आते हैं तो इधर पर बैठ के हम खाना पीना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे इधर पर तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ कवर्ड एरियाज हैं, और इसके साथ में आप देखोगे इधर पे तो ये है आपके यहाँ पर सिंक एरिया, ये कुछ पावर पॉइंट का एरिया ताकि यहाँ पर आपको ओवन या आपका कोई माइक्रोवेव यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये आपका यहाँ पर कुकिंग एरिया, ठीक है। तो आइए चलते हैं दूसरी तरफ को, क्योंकि हमने बात कर ली है किचन की। अब हम बात करते हैं आपका इस रूम से। देखिए ये भी एक रूम एरिया है, तो यहाँ से हम बात करते हैं इस रूम से। आप यहाँ देखोगे इधर पे तो इसका जो फ्लोर है, फ्लोर टोटली यहाँ पर पूरा टाइलिंग वर्क करा गया है। बाकी इसमें जो दरवाजे हैं, दरवाजे पूरे के पूरे आपको वुडन में है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका जो चौखट है वो आपकी लोहे की है, यानी कि आपका जो
दीमक है आपका जो, मतलब लकड़ी कहते हैं ना कि सड़ गई, तो वो मेटल यहाँ पर नहीं होने वाला है। सामने आप देखोगे इधर पे तो ये पूरी पूरी वॉल में यहाँ पर आपको मिलने वाली है अलमीरा। अलमीरा के साथ में आप यहाँ देखोगे तो ये है आपका पूरा का पूरा टाइलिंग एरिया, यानी कि इसके वॉल में पूरा टर्न ओवर करा गया है। ऊपर अगर हम बात करते हैं फॉल सीलिंग वाले एरिया में, तो आप देखोगे इधर पे तो ये कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर फॉल सीलिंग करी गई है। प्लस आप देखोगे पंखा, तो पंखा भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुराना यूनिक है। और आप ये देखेंगे इधर पे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक रोशनदान, ताकि जो लाइट की एंट्रेंस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बनी रहे। तो ये देखिए साइड से एयर वेंटिलेशन और लाइट की एंट्रेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बनने वाली है। ठीक है, रूम काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ से जो इसका एयर वेंटिलेशन है वो भी यहाँ से इजीली होने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे यानी कि इस रूम की, तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसकी जो एंट्री है, एंट्री काफ़ी छोटी है, बिकॉज इसकी जो मेन एंट्री वो आगे से है। अगर हम बात करते हैं इस रूम की, तो देखिए इस रूम में भी कहीं ना कहीं आपका जो वॉल है, वॉल में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा टाइल वर्क यूज़ करा गया है, अच्छा खासा टाइलिंग वर्क यहाँ पर यूज़ करा गया है। ऊपर आपका एसी का ऑप्शन है, एसी के ऑप्शन के सामने आप देख पाओगे इधर पे तो ये है आपका फॉल सीलिंग का ऑप्शन। यहाँ पर आपके चार कोबलाइट्स हैं, साइड में भी इसके चार कोबलाइट्स हैं, फ्रंट में यहाँ पर आपका यहाँ पर सीलिंग बल्ब है। और प्लस यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो रूम है, रूम काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, बनाया गया है। प्लस इसकी जो मेन एंट्री है वो कुछ यहाँ से है, देखिए यहाँ से इसकी मेन रूम की एंट्री है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं रूम की, तो देखिए रूम काफ़ी यूनिक है, अच्छा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखिए आपका जो किंग साइज बेड है 6x6 का, तो वो भी यहाँ पर इजीली यहाँ पर आराम से आ रहा है। और आने के साथ में देख पाओगे इधर पे तो ये पूरा का पूरा स्पेस यहाँ पर पूरा खुला हुआ और बचा हुआ है, देख रहे हैं ये है। और हम बात करते हैं अगर खिड़की की, तो देखिए खिड़की कुछ इस प्रकार से है, चार पल्लों की यहाँ पर खिड़की लगी हुई है ना, तो ये है। अब हम बात करते हैं इस रूम के हाथ में लगे हुए अटैच वॉशरूम की, देखिए ये इसका अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी यूनिक अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर आपके यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ऊपर आप देखोगे इधर पे उधर सब कुछ साफ सुथरा है। यहाँ पर आपका लगा हुआ जैकवार कंपनी का, देखिए हाफ प्रोडक्शन वॉश मशीन लगा हुआ है यहाँ पर जैकवार कंपनी का। ये है आपका सिंक मिक्सचर, ये है आपके इधर पे मिरर, और ये आपका इधर पे लगा हुआ है आपका यहाँ पर शीट, जो कि है आपकी वन पीस में। और वॉल में आप देखोगे तो वॉल में भी कहीं ना कहीं जो टाइल पैटर्न है काफ़ी अच्छा यूज़ करा गया है। सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है, बट यहाँ पर क्या है कि ये जो शीट है, ये शीट भी जेक्वायर की है, आपका वॉश मशीन जेक्वायर का है, कंपनी सब कुछ मतलब ए टू जेड जो भी एमिनिटीज़ हैं, जो भी आपकी आपकी यहाँ पर बाथिंग यहाँ पर अगर आप देखते हो तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो भी आपकी सैनिटरी है वो कहीं ना कहीं ब्रांडेड यूज़ करी गई है, जेक्वायर कंपनी यहाँ पर यूज़ करी गई है। बड़ा बाथरूम है, 8x5 का ये बड़ा बाथरूम रहने वाला है, और एसी के साथ में यहाँ पर ये बाथरूम है, और इसका जो साइज़ है वो भी सेम टू सेम एज इट इज़ है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर आपका दूसरे वाले बेडरूम पर। देखिए हमने सारे बेडरूम की हमें बात कर ली है, हमने आपका एक इस बेडरूम इसकी बात कर ली है, इसके जो आपका जो मेन बैठक वाला एरिया इसकी बात हमने कर ली है, आपका जो मेन वहाँ पर दूसरा बेड था वहाँ बेडरूम था वहाँ पर उसकी बात कर ली है, इसकी बात कर ली, तो तीन बेडरूम हमने यहाँ पर बात कर ली। अब ये है आपका चौथा, चौथा बेडरूम आप देख पाओगे इधर पे, ये भी काफ़ी बड़ा है, यूनिक है और चौड़ा है, देख रहे हैं इधर पे। तो ये आपका एक और बेडरूम है, इस बेडरूम में आप देख पाओगे इधर पे तो काफ़ी अच्छी खासी मतलब देख पाएंगे इधर पे जो साइज़ है काफ़ी बड़ा साइज़ है। बड़ा साइज होने के साथ में आप देख पाओगे इधर पे तो पूरे के पूरे वॉल में जो है आपका टाइलिंग वर्क करा गया है। ऊपर आप देखोगे इधर पे तो ऊपर आपका कहीं ना कहीं फॉल सीलिंग का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, बड़ा चौड़ा फॉल सीलिंग का यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा। फॉल सीलिंग के साथ में आप देख पाओगे इधर पे तो एसी का ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाला है। नीचे आपको यहाँ पर मिलेगी आपको विंडो, और विंडो के साथ में आप देख पाओगे इधर पे तो ये है इसका अटैच वॉशरूम। और वॉशरूम के साथ में आपको बता दूँ कि छोटा वॉशरूम है क्योंकि अटैच है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके साइज़ की, तो साइज़ भी कहीं ना कहीं आपका जो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली आपका 6x3 का रहने वाला है, बाकी डोर रहेगा आपका फाइबर का, फाइबर का इसमें डोर लगा हुआ है। और यहाँ पर पूरी एक्टिविटीज़ हैं, देखिए जो भी यहाँ पर काम चल रहा है, जो भी काम यहाँ पर हो रहा है, तो वो कहने की आपको यहाँ पर देखने वाला है, यानी कि इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिलने वाला है यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन। तो सीसीटीवी कैमराज यहाँ पर लगे हुए हैं, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर होती है तो वो आपको यहाँ पर प्रॉपरली दिखने वाली है। ठीक है, ये आपके मेन डोर की एंट्री है, इसके आपके बिसाइड वाला एरिया है, ये आपका यहाँ पर सीटर का एरिया है, यानी कि कौन ऊपर आपके यहाँ जा रहा है जा रहा है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। बाकी ये एक आपका जो फिलहाल कैमरा जो है बंद करा गया है। आइए चलते हैं बाहर की तरफ को, तो ये जो पूरा मकान है इसके जो उसके डायमेंशंस हैं, इसका जो फ्रंट कितना है, इसका जो डेप्थ कितनी है, कितने रूम्स हैं, मेन हाईवे से कितनी इसकी डिस्टेंस है, इसका रेट
ए टू जेड मैंने सब कुछ आपका अपने इस वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, या यूँ कहूँ तो मैंने पूरा का पूरा इसको आपको दिखा दिया है। बाकी ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये जो प्रॉपर्टी है हार्ट कालिका प्रॉपर्टीज़, कभी भी डीलर के एंड पे काम नहीं करता है। हर बार 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 हम यही कहते हैं कि हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी आती हैं वो डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी जिसमें अभी मैं खड़ा हूँ, जिसमें अभी मैं आपका वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये भी प्रॉपर्टी मेरे पास डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है। तो बाकी मैंने आपको हर एक चीज़ इसकी हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दी है अपने इस ब्लॉग में। इसका रेट मैंने मेंशन किया हुआ है, इसके डायमेंशन मैंने इसके मेंशन किए रहे हैं, इसका डिस्टेंस फ्रॉम मेन हाईवे, डिस्टेंस फ्रॉम आपका बस अड्डा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू जेड, वो मैंने आपको कहने की इसमें मेंशन कर दिया गया है। बाकी फिर भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ भी क्वेरीज करनी हो, कुछ भी इसके बारे में जानना हो, तो स्क्रीन पर आ रहा है हमारा नंबर, आप हम संपर्क कर सकते हैं, हमारे हमसे इस बारे इसके बारे में पूछ सकते हैं। बाकी तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय मां हाट काली।